कुछ लोग इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? अमित भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साये में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहाँ पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कला नगर का एक अब्दुल्ला उमर को अपने कंधों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है, इतना माहित नहीं पढ़ना का है, ठीक है ऐसे रेंडो। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता नहीं। लोकशाही मराठी, ऐका पहा जागरूक रहा।